मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का दिन का शुरुआत मैंने मॉर्निंग ही कर लिया था, लेकिन शूट नहीं कर पाई थी। हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरा पूजा भी हो चुका है। तो अभी दोपहर का जो तैयारी है उसमें मैं लगी हुई हूँ, और अब कुछ भी मैं करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ, इसलिए सब कुछ रिपीटेडली मतलब ये हो जा रहा है। ठीक है, कोई नहीं, बोलते ना एक बार आदत छूट जाने से फिर से वो आदत बनने में टाइम लगता है। तो मैं 2 दिन ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, तो पूरा मेरा बात जो है मतलब तोतला जा रही हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट करते हैं आपसे। अभी दिन भर भी जो कुछ भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले तो भगवान जी से मिलाती हूँ। भगवान जी मेरे सभी व्यूअर्स को आशीर्वाद दे और सही रास्ते में चलने के लिए सहायता करें। तो चलिए बिल्लू से मिलवाती हूँ। क्या कर रहे हो? ऑफिस का काम। ऑफिस का काम शुरू हो गया? गुड मॉर्निंग। मेरे सभी व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? तो बिल्लू काम कर रहा है अभी, और कुछ बोलना चाहते हो? आज बारिश हुआ थोड़ा सा, पर ज्यादा नहीं हुआ। अभी सुबह बारिश हुआ था, अभी कड़कता धूप निकल गया है। और आज सांबर बनने वाला है। आज बिल्लू का फरमाइश है कि साउथ इंडियन फूड खाएगा बिल्लू। क्यों ऐसी? उससे पहले तो बालकनी का व्यू दिखाती हूँ, उसके बाद चलते हैं किचन में। बिल्लू का फेवरेट सांबर बनाने। चलिए, तो ये है मेरा बालकनी का व्यू। सुबह अच्छा खासा बारिश हुआ है, लेकिन अभी कड़कता हुआ धूप देखिए, आग भी नहीं खोल पा रहे हैं, इस तरह सा धूप निकल गया है। बादल अभी भी आ रहे हैं, लेकिन मौसम तो ठंडा ही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा भी चल रहा है, आसमान में बादल बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए किस तरह से आसमान में बादल लग रहा है। ये जो बादल है ना, एक आते हुए तो हम ना छोटे टाइम पे इस बादलों को देख के बोलते थे कि यार यहाँ पे तो मतलब हाथी जा रहा है, घोड़ा जा रहा है, बादलों को शेप देखते हुए। तो ऐसे जब बादल आते हुए लगते हैं तो किसी किसी का शेप ले लेते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है देखने में क्या जा रहा है। देखिए यहाँ पे लग रहा है कि टेडी बना हुआ है कि नहीं? इस साइड में टेडी का फेस, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब बादल आते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और साइड से देखने में तो और ही बहुत ही मज़ा आता है देखने में बादलों को। तो चलिए, बहुत ज़्यादा धूप है इसलिए मैं देख भी नहीं पा रही हूँ ज़्यादा। तो चलिए बिल्लू का फरमाइश पूरा करते हैं और बनाते हैं सांबर। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ किचन में। इस साइड से तो मतलब रोशनी नहीं आता, तो इस साइड का ही मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सांबर रेसिपी। तो दोस्तों मैंने सांभर बनाने के लिए सभी तैयारी कर ली है। मसालों में मैं आपको लगेगा गोटा जीरा, धनिया, मेथी, ये कोकोनट पाउडर है मेरे क्रश्ड किया हुआ, और 2 चिल्ली, और ये 1 कड़िया पत्ता का डंडी डंठल मैंने लिया है, और ये चावल है, चावल नॉर्मल चावल ही मैंने लिया है, और ये चना का दाल। तो ये सब मसाले उसमें जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऑयल से फ्राई करके पीस लूँगी। यहाँ पे मैंने सारा कुछ काट कर भी रख दिया है। इसमें मैं वेजिटेबल में डालूँगी ड्रमस्टिक्स, ऑनियन, भिंडी, टमाटर, गाजर और 2 से 3 लहसुन के टुकड़े। तो ये सब मैं डालूँगी, और इसमें एक चीज़ मिसिंग है, अदरक। तो अदरक भी मैं ले लेती हूँ। तो दोस्तों अभी ये पैन हो चुका है गरम, मैं 1 टेबलस्पून ये रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ। इसमें मैं डालूँगी ये सारे मसाले जो मैंने आपको दिखा दिए हैं ऑलरेडी। इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे, ज़्यादा नहीं,
तो ये सब को मैं सॉटे कर लूँगा। ये सारा मसाला इसमें मैंने डाल दिया है। इसमें मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। सबको एक साथ मिक्स करके अलग से प्लेट में निकाल के रख दूंगी। इसको थोड़ा सा मसाले को पानी डालकर पीस लेना है एकदम महीन होने तक। इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये एकदम महीन पेस्ट मैंने बना लिया है। सांभर का जो मसाला है रेडी हो चुका है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो दोस्तों, मैंने गैस पे प्रेशर कुकर को बिठा लिया है और ये ऑलमोस्ट गर्म भी हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। इसमें डालेंगे प्याज और थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसके साथ ही गाजर और ड्रमस्टिक को भी डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे भिंडी और टमाटर को भी। टमाटर दोनों को डालकर हम अच्छे से भूनेंगे थोड़ा सॉफ्ट होने तक। उसके बाद हम डालेंगे इसमें जो हमने सांभर मसाला बनाया था उसको हम डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे और डालेंगे नमक जिससे कि सारे सब्जियां जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। 2-3 मिनट अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसमें डाल देंगे तुअर का दाल और पानी डाल के हिलाकर हम इसे 3 से 4 सीटी आने तक प्रेशर में पका लेंगे। यहाँ पे मेरा जो सांभर है अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम तड़के की तैयारी करेंगे और यहाँ पे मेरा पैन हो चुका है गरम। डालेंगे रिफाइन ऑयल, कुछ राई। जैसे चटकने लगेगा इसमें हम डाल देंगे, ये है करिया पत्ता। डालूंगी हल्दी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही ये जो है इमली का रस, ये भी डाल दूंगी इसकी के अंदर और थोड़ा सा चीनी डाल देंगे। तो यहाँ पे मेरा तड़का भी हो चुका है रेडी। अब इस तड़के को हम जो सांभर बनाए हैं इसमें मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, सांभर रेसिपी हो चुका है रेडी। तो चलिए बिल्लू को चकाते हैं। तो दोस्तों, इट्स लंच टाइम। तो अभी चलिए मेरे खाने में क्या क्या मैंने साउथ इंडियन डिश बनाया है, चलिए आपको दिखाती हूँ। तो ये बैठा है बिल्लू महाराज। बिल्लू महाराज जी, आज क्या है हमारे लंच में? चावल, केले का पकौड़ी, भिंडी, पापड़ एंड सांभर। ये केले का पकौड़ी नहीं, ये केले के चिप्स मैंने बनाए हैं। साउथ इंडियन डिश में केले का चिप्स बिना कंप्लीट नहीं होता है। तो ये मैंने केले का चिप्स बनाया है और ये भिंडी की सब्जी, पापड़ और ये है सांभर। तो बिल्लू खा के बताओ सांभर कैसा बना है। टेस्टी है। टेस्टी बना है? टेस्टी बना। अच्छा, और केले का चिप्स खा के बताओ कैसा हुआ है। अच्छा अच्छा है। तो चलिए, तो दोस्तों अभी हम लंच कर लेंगे और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि ये ब्लॉग ऐसे ही बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगे रहेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।